अच्छा बाप का संबंध या नहीं है, सवाल है राजनीति। विकास का काम तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी की है, उनको जमाना जब्त हो गया। हमारा बेटा हो या कोई भी उम्मीदवार हो, उसका टक्कर में कोई नहीं आ सकता है महागठबंधन। एनडीए का जो मुद्दा है फ्लॉप है, और राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा सही है। विकास का काम हुआ लेकिन उसके साथ लूट खसोट हुआ। कारखाना आप देख लीजिए, उसमें 2000 कमीशन है। इतना हम जिता देंगे लालू प्रसाद के पार्टी को कि गेट तोड़ के विधानसभा चला जाएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, और लाइव सिटीज की टीम मोरवा विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। 2020 चुनावी वर्ष है और इसी वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। मोरवा विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि एनडीए बनाम महागठबंधन तो आपने बहुत सुना होगा, पर पिता और पुत्र राजनीति में इस बार एक अखाड़े में उतरेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद सिंह निषाद जी मौजूद हैं, जिनकी सीधी भिड़ंत होने वाली है विद्यासागर सिंह निषाद से, जो कि इनके पुत्र हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं। सर, पुत्र से सीधा आपका टक्कर होने वाला है, क्या कारण रहा कि आपको लगा कि नहीं अब चुनावी दंगल में मुझे भी उतरना पड़ेगा और इस बार शिकस्त देनी पड़ेगी पुत्र को? पुत्र और बेटा, अच्छा बाप का संबंध या नहीं है, सवाल है राजनीतिक। महागठबंधन और एनडीए का डायरेक्ट फाइट है। हम महागठबंधन के आज से 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, और दो बार भी हम यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। उस समय यह पंचायत या मोरवा प्रखंड जो है सारंजन के अंतर्गत आता था, और महागठबंधन से हमें मनोनीत किया गया कि आप ही यह सीट 135 मोरवा निकाल सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीदवारी के लिए घोषणा किया गया कि आप प्रचार प्रसार कीजिए, यहाँ बेटा और बाप वाला बात नहीं है, यह पार्टी वाली बात है, सिद्धांत की बात है। क्या कारण रहा? कोई तो कारण जरूर होगा विकास को लेकर आप आगे बढ़े, किस चीज को लेकर, क्या चूक देख रहे हैं? विकास के लेकर चले, डबल इंजन के सरकार, एक भी काम सही रूप से बिहार में नहीं हुआ। क्षेत्र में कोरोना का हल्ला हुआ, कोरोना में जितना भी बीच में लोग बाहर से आए उनको स्कूल में रखा गया, उन्हें बाल्टी गंजी टावल साबुन किसी तरह का मदद नहीं किया, उनको नाश्ता के लिए पूरी कचौड़ी का अलाउंस होता था लेकिन उसको सही रूप से नहीं मिला। वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं मिला, आंगनबाड़ी को अभी तक पैसे नहीं मिल रहे, टीचर को दरमाहा नहीं मिल रहा है, सक भूख मुर्गे कारण पर हैं। इसीलिए जानबूझ के हमने यह तैयारी किया है कि नहीं, इसके विरोध में हमको चुनाव लड़ना है। सर, विद्यासागर सिंह निषाद जी ये दावा करते हैं कि जनता के बीच जाएंगे तो जो उन्होंने विकास का काम किया है उन मुद्दों को लेकर जाएंगे, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? विकास का काम तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी की है, उनको जमाना जब्त हो गया। पब्लिक जो है सभी तरह से त्रस्त है, राष्ट्रीय जनता दल को सभी जगह से पुकार है, महागठबंधन का पुकार है, और लालू और राबड़ी और क्या नाम है इसका, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी प्रसाद, वीआईपी के मुकेश सहनी, जिनके हाथ में अपना चुनाव चिन्ह देंगे या मतलब यहाँ से विजयी होगा, या तो रामचंद्र निषाद हो या कोई भी हो, महागठबंधन का यहाँ से उम्मीदवार जीतेगा। हमारा बेटा हो या कोई भी उम्मीदवार हो, उसके टक्कर में कोई नहीं आ सकता है महागठबंधन। क्या आपको क्या लगता है, मोरवा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो विकास ना देखकर पार्टी देखेगी? पार्टी भी देखेगी और विकास भी, उसने पहले देख चुका है। पार्टी लालू राबड़ी के सरकार में लोग देख चुका है कि जुबान में मुंह में जुबान दिया है तो लालू राबड़ी ने दिया है, और जुबान बंद किया है नीतीश जी ने और मोदी जी ने। मोदी जी ने नौकरी का हवाला दिया, इतना रुपया हम नौकरी में देंगे, 15 लाख किसी को खाते में देंगे, न किसी को नौकरी मिला न किसी को खाते में पैसा गया, आज त्रस्त है। लंबी लंबी भाषण हो रही है, लंबा चल लंबा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक भी कहीं शून्य है, सब शून्य नजर आ रहा है। विद्यासागर जी ने तो अपना मुद्दा बता दिया, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, आप किन मुद्दों को लेकर जनता? यही तो लड़ाई है, वह जनता अपना तय कर लिया है कि एनडीए का जो मुद्दा है फ्लॉप है, और राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा सही है। हम इस बार राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के सामने जो भी उम्मीदवार आएगा, बीजेपी आवे और यूनाइटेड आवे, मैं यहां से उनको हरा के यहां भेजूंगा, यहां तक कि यहां का जनता कहना है कि हम जमानत जब्त करके भेजेंगे।
मोरवा विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम हुआ या नहीं? विकास का काम हुआ, लेकिन उसके साथ लूट खसोट हुआ। 6 महीना पहले रोड बना, रोड में बकरी के खुर से सीमेंट जैसे उड़ रहा है। पैखाना आप देख लीजिए, उसमें 2000 कमीशन है, आप जाके चेक कर लीजिए। 2000 किसका कमीशन? कमीशन अब उसमें किसका, हम थोड़ी लेते हुए देखे हैं, लेकिन उसमें कमीशन है। अभी हमारे ही पंचायत में बाढ़ आ गया, जो आदमी पैसा दिया 6000 में आधा पैसा, उनको पैसा मिल गया, जो नहीं दिया है उनको पैसा अभी तक नहीं है। आपके पास कैमरा है, आप चल सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, घर में पानी है, उनको एक पैसा नहीं मिला। जिनका ईंट का घर है उसको अभी तक भवन मिल रहा है। अभी हमारे पंचायत में बगल में दिखाएंगे, वो अभी नहीं है, बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, ब्रह्मदेव सानी, उनका 6 महीना पहले मकान बन गया, वो पैसा कमीशन नहीं दे रहा है, उसको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसको विकास कहिए तो हम नहीं बोल सकेंगे इस पर। अच्छा, आप अगर जीतते हैं, आप पर जनता विश्वास अगर जताती है, तो आप क्या कुछ करेंगे? हम करके जनता को दिखा दिया है। हम यही कहते हैं कि हमको दोबारा आपने जिताया, हम आपको काम किया तो हमको वोट दीजिए, नहीं काम किया तो हमको वोट मत दीजिए, यही मेरा बात ही है। एक बार हटाया भी तो नहीं, एक बार भी नहीं आपको हटाया, तभी तो नहीं 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 डबल में जीते सरकारें उस समय। एक बार माननीय हमारे मंत्री केंद्रीय चाबी लेके चले गए, अच्छा उस फेरा में हम लोग पड़ गए। अच्छा, दूसरे बार जनता बोला कि चाबी लेके भागे, तब इतना हम जिता देंगे लालू प्रसाद के पार्टी को कि गेट तोड़ के विधानसभा चला जाएगा। तो हम लोग विधानसभा दूसरी बार में गए, हमको किसी ने हटाया नहीं। और पब्लिक है, अभी भी है, लोग चलते हैं गाड़ी से के जाए छोड़े तो फल्ला विधायक जाता है, राम चंद्र निषाद चलता है तो उसको रोक के कहता है विधायक निषाद जी प्रणाम, हे तर पानी पी लियो नहीं चाबी में, वो मेरे पास मेरिट है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं गौरव के साथ जनता की ताकत की बात बोल रहा हूँ। कितने वोट से हराएंगे विद्यासागर सिंह निषाद को इस बार? अब विद्यासागर आवे, अब बीजेपी आवे, 20,000 से ऊपर, आप नोट कर लीजिए, आपको विधानसभा के गेट पर मैं मिलूंगा, 20,000 से ऊपर से मैं जीतूंगा। आप आश्वस्त हैं कि महागठबंधन और आरजेडी की तरफ से आपको टिकट मिल रहा है? अभी तक आश्वस्त हैं, लेकिन राजनीति में कब उलट पुलट होगा उसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ। उलट फेर हो गया फिर क्या करेंगे? नहीं, निर्दलीय में नहीं लड़ूंगा, पार्टी का काम करूंगा। जिसको लालू प्रसाद ललटेम या मुकेश साहनी जिसको 9 छाप भेज दे देगा, उपेंद्र जी जिसको पंखा दे देंगे, मैं ईमानदारी के साथ उनका काम करूंगा। चलिए, दावा कर रहे हैं 20,000 से अधिक वोटों से हराएंगे विद्यासागर सिंह निषाद जी को, जो वर्तमान के विधायक है। देखना यह होगा कि चुनावी जो रन चल रही है उसमें कौन आगे निकलता है। तमाम दृश्य लगातार लाइव सिटीज अपडेट करता रहेगा। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़।